एनपीएस बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई के विरोध में एवं किसानों, पोंग बांध विस्थापितों व जवानों के हक में आपके अपने क्रांतिकारी नेता डॉक्टर राजेंद्र शांत आज इनसे मिलाएंगे। ये बैनर तो आपने देख लिया, ये बैनर अपनी जगह बिल्कुल सही लगा हुआ है, लेकिन डॉक्टर राजन सुशांत को भी दिखाएंगे वो आखिर कहाँ बैठे हुए हैं। ये चार पाई, आखिर ये चार पाई कब लगती थी? जब आपके घर में डबल बेड कोई चार पाई नहीं होती थी। डबल बेड आजकल बहुत सारी ऐसी चीज़ें लग रही हैं आपके घरों में कि घरों की शानो शौकत बढ़ जाती है। वो शानो शौकत कहाँ से बढ़ती है? आपकी जेब में पैसा होगा तो आपकी शानो शौकत बढ़ जाएगी। इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र का चुनाव है, उपचुनाव है, और इस उपचुनाव में कई शख्सियत अपना दम खम लगा चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी कह लीजिए, कांग्रेस कह लीजिए, निर्दलीय कह लीजिए, या फिर आप आम आदमी पार्टी की बात कर लीजिए। इस शख्स की बात करूंगा, आम आदमी पार्टी के साथ शुरू करेंगे। इससे पहले ये भाजपा में पूर्व सांसद रह चुके हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने भी पूरा सहयोग इनका किया था, इन्होंने भी सहयोग किया था। बात करेंगे राजन सुशांत जी से, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजन जी, सबसे बड़ी बात, ये चारपाई पे हम बैठे हैं, ये बहुत पुरानी एक कवायद है, क्या कारण रहा कि चारपाई पे आज आप बैठ गए? कारण है, जैसे अब धरना चला है तो धरने में सामान्य तौर पर जैसे हम रहते हैं, काम करते हैं, तो उस दिनचर्या का हिस्सा है ये। यहाँ हमारे धरने वाले भी बैठते हैं, तो घर तो है नहीं, दूसरा साधनों का भी होता है, साधनों की कमी है, तो साधनों के हिसाब से जुटाते हैं सारा ही, तो समझ लीजिए कि वो सारी चीज़ें इकट्ठी हैं। राजन सुशांत अपने आप में एक सांसद था, भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में एक नेशनल पार्टी कह रही है, चप्पे चप्पे पर उनके विधायक हैं, सांसद हैं, देश प्रदेश में उनकी पार्टी है, लेकिन आपके साथ ऐसी बात क्यों हो रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिन सिद्धांतों के लिए बनी थी, जिन उद्देश्यों के लिए बनी थी, वो पार्टी भटक गई है। ये पार्टी आरएसएस की विचारधारा से, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय उनके विचारों से उत्प्रोत जनसंघ बना, जनसंघ से जनता पार्टी, जनता पार्टी से बीजेपी में, तो हम तो विचारों के लिए इस पार्टी में आए थे, देशभक्ति, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, समाज की सेवा, वो सारा लुप्त हो गया है। जिन चीज़ों के लिए पार्टी बनी उससे भटक गई, हमारे टकराव भी इन्हीं बातों के लिए हुए हैं कि अगर यही कुछ करना था तो कांग्रेस चला रही थी, लेकिन पार्टी कुछ ही सालों में तो सारी चीज़ें, तो इसलिए मैं इस पर टिप्पणी ना ही करूं तो बेहतर है। शांता कुमार जी ने आपके साथ काम किया है, कई बार वो आपने पालमपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हमने सवाल पूछा था कि आखिर ऐसी नौबत क्या आ गई, इकट्ठा सांसद थे, सब कुछ किया, उसके बाद आपको आपकी अपनी कमियां रही होंगी, खामियां आपकी होंगी, या पार्टी को अच्छा नहीं लगा, उसके बाद आपने विड्रॉल किया था, ठीक है, लेकिन शांता जी के साथ आपके मतभेद कब से पैदा हुए, और शांता जी आज भी एक आदर्श माने जा रहे हैं, पूरे हिमाचल में माने जाते हैं, भले ही पार्टी उनकी सुने या ना सुने, लेकिन बार बार अपनी सरकार को दायरे में लाते हैं, वो अपने उनका सवाल ही अपनी पार्टी के ऊपर होता है, ना कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर, ऐसा क्या आपको कुछ लगता होगा कि कहीं ना कहीं कोई बात होगी? नहीं, मैं इस पर टिप्पणी ना करूं तो बेहतर है, बहुत सी बातें फिर सारी बातें शांता कुमार जी की इर्द गिर्द घूम जाएंगी, तो इसलिए मैं आज टिप्पणी नहीं। विवेकानंद की बात कर लेते हैं, क्या विवेकानंद बना बात पर भी? देखिए, शांता कुमार जी पर जिस दिन मैं बोलूँगा तो बहुत तथ्य आ जाएंगे, और आज मैं बोलना नहीं चाहता, बुजुर्ग आदमी है, तो इसलिए मैं ना ही बोलूँ तो बेहतर है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि शांता जी पर नहीं बोलेंगे। धरना लगातार आपका जारी है, काफ़ी लंबे समय से धरना प्रदर्शन आपका जारी है, ये धरना किसके लिए है? जनता का प्रलोभन, जनता का लाभ, या जनता को न्याय दिलाने के लिए? निश्चित तौर पर जनता के हित के लिए धरना है। आज जितनी समस्याएं प्रदेश के अंदर हैं, और हमारा अपना फतेहपुर क्षेत्र भी उन्हीं से घिरा हुआ है, उसके लिए धरना है। सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी, ये हमारी पहली मांग है। कर्मचारियों की ओपीएस की मांग है, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम हो, आपके दूसरे जितने भी कर्मचारियों के साथ अन्याय हो रहा है, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, मिड डे मील वर्कर्स, जितने भी आउटसोर्स के कर्मचारी, पुलिस के लोग दुखी हैं, एचआरटीसी के दुखी हैं, शिक्षक दुखी हैं, कोई वर्ग बचा नहीं है, करना मुल्क वाले हैं, सब धरने पर बैठे हुए हैं, और आज हमारा 200
एक दिन हो गए हैं धरने पर, और मैं आज मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था जिस तानाशाही के साथ उन्होंने आज जवाब दिया कर्णामूल की मांगों के बारे में, हमें अच्छा नहीं लगा। कर्णामूल के लोग लगातार धरने पर हैं, उनके बारे में अपशब्द का प्रयोग भी कर लिया उन्होंने तानाशाही के तौर पर, तो शायद ये अहंकार है सत्ता का, वो सोचते हैं कि ये शायद परमानेंट गद्दी मेरी है। तो जिस तरह से उन्होंने आज किया है वो अच्छा नहीं है। अब की बार उसमें शराब पर भी टैक्स लगाया है, करोड़ों रुपया उसका इकट्ठा हुआ है, वो कहाँ गया है? मुझे तो लगता है ये भी एक बहुत बड़ा स्कैंडल आने वाले समय में निकलेगा। जनता ने पैसा दिया टैक्स में, शराब में दिया है, वो कहाँ चला गया है? वो कोई नहीं है, गौ वंश की केवल भावनात्मक तौर पर ब्लैकमेल करने के लिए इसका प्रयोग पार्टी कर रही है। सड़कों पर आप देख ही रहे हैं जो स्थितियां हैं। जीएसटी मोदी जी ने लागू किया, हिमाचल में पेट्रोल बहुत महंगा हो चुका है, हिमाचल की गवर्नमेंट कितना टैक्स लगा रही है, इस पर सरकार ने कभी हिम्मत नहीं दिखाई कम करने की, हिमाचल की जनता पिस रही है। अगर मान लिया जाए कि आपको ये लड़ाई लड़ने का मौका दिया जाता है आरटीआई के माध्यम से या जानकारी लेने के माध्यम से, तो आप कितना इस पर सरकार को घसीट सकते हैं? नहीं, इस सरकार को किस किस मुद्दे पर घसीटना है? ये सरकार जा ही रही है, घिसट रही है, मैंने क्यों घसीटना है? ये चारों उपचुनाव हार रहे हैं, मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, और 6 महीने के बाद चुनाव हो जाने हैं, तो अगली सरकार तो थर्ड फ्रंट की आ रही है। उपचुनाव अभी हैं, 6 महीने बाद कौन से चुनाव की बात कर दी आपने? मैं 6 महीनों की बात कर रहा हूँ, स्थितियाँ जैसे बन रही हैं, हिमाचल प्रदेश का जनरल इलेक्शन आ सकता है और यहाँ से मैं विधायक बन के जाऊँगा। एक धरना फतेहपुर में, ऐसे अनेक फतेहपुर हिमाचल प्रदेश में होंगे, जनता के लिए लड़ाई लड़ेंगे, कुछ तो इस सरकार से मनवाएंगे, नहीं होगा तो अपनी सरकार बनाएंगे हम। और सरकार बनाते ही सारी समस्याओं का, मैंने कहा 24 घंटे के अंदर अंदर अपने हिमाचल प्रदेश के 1.5 लाख NPS के लिए OPS की नोटिफिकेशन जारी करूँगा। एक साल में कांग्रेस और बीजेपी 2000 नौजवानों को रोज़गार देती है, मैंने एफिडेविट लिख के दिया है, पहले ही साल में हम 2 लाख नौजवानों को रोज़गार देंगे, सीमेंट सस्ता करेंगे, बिजली पानी की बातें हैं। केजरीवाल की रणनीति अपनाई जाएगी या नहीं? ये केजरीवाल की नहीं, केजरीवाल से कहीं बेहतर रणनीति मेरे दिमाग में है, इसलिए केजरीवाल जी तो जब मैं MP होता था मेरे पास आते थे मार्गदर्शन लेने के लिए, लेकिन सौभाग्य से मुख्यमंत्री बने हैं तो उनको मौका मिला है, उससे कई गुना ज़्यादा नीतियाँ मेरे दिमाग में हैं। तो अपनी वो कह सकते हैं, अपना घर है, अपने परिवार है, हर एक चीज़ें हैं, धरना कब आप तोड़ रहे हैं और कब तोड़ेंगे? और नॉमिनेशन तो अंतिम डेट हो गई, क्या चुनाव तो नहीं लड़ रहे आप फिलहाल? है, चुनाव लड़ रहे हैं ना भाई? आप अच्छे पत्रकार हैं, चुनाव लड़ रहे हैं और किसके खिलाफ क्या मान के चलते हैं? चुनाव लड़ रहा हूँ, कल नॉमिनेशन कर दिया है और जीत रहा हूँ, और इतने भारी मार्जिन से जीतूँगा कि अभी लोग विश्वास नहीं करेंगे। तो मुख्यमंत्री तो कह गए कि हम चारों खाने चित कर रहे हैं। ये चारों खाने अपने लोगों को चित कर रहे हैं, इसीलिए तो कृपाल परमार को उठा करके हेलीकॉप्टर पर ले जाना पड़ा, तो किसको चित किया? आखिर क्यों ऐसा आप भी कह रहे हैं कि ले जाना पड़ा, फोटो भी हमारे पास है जी। आखिर कृपाल परमार को हेलीकॉप्टर में बिठा कर शिमला या जुब्बलकोट खाई क्यों ले गए मुख्यमंत्री? इसलिए ले जाना पड़ा है, भारी विद्रोह है, जो सामने मंच पर भी थे वो अंदर खाते सारे विरोध में हैं, निश्चित तौर पर सारे के सारे लोग हमारी सपोर्ट में हैं, बीजेपी कहीं नज़र ही नहीं आएगी। और बीजेपी का हाल, यह कंपटीशन की बात मैं नहीं करता हूँ, ये बहुत पीछे है और बहुत पहले का यहाँ का एक इतिहास हुआ था मालुका पठानिया का, वो यहाँ फतेहपुर में होगा इस बार। और जितना आशीर्वाद जनता का मुझे मिल रहा है, कर्मचारी भाइयों का, नौजवानों का, किसानों का, मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों जोड़ के जितना वोट लेंगे उससे कहीं ज़्यादा वोट मुझे मिल रहा है इस बार जनता का। क्या मान के चलते हैं हम जीत दायर कर दें? अभी जीत निश्चित तौर पर दायर कर दीजिए। तो बीजेपी अपनी कह रही है और कांग्रेस अपनी कह रही है, आपकी जीत कितनी, 100 में से कितने% है? मेरी 100 से भी 110% जीत है, और जीत वो क्षेत्र की जनता के लिए ही नहीं है, प्रदेश के लिए है। प्रदेश में थर्ड फ्रंट की सरकार बहुत जल्दी आ रही है, बहुत जल्दी आ रही है। तो प्रदेश में
थर्ड फ्रंट की बात राजन सुशांत ने बड़ी खबर हमें ये दे दी है कि थर्ड फ्रंट जो है वो हिमाचल प्रदेश में बन रहा है, और चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, जीत इस बार राजन सुशांत की उपचुनावों में होने वाली है। और ये जीत सिर्फ फतेहपुर के लिए नहीं है बल्कि प्रदेश की जनता के लिए है, और प्रदेश की जनता के हक और हकूक की आवाज़ जो है वो शिमला में उठाई जाएगी। अब देखना ये होगा कि कितने मतों से राजन सुशांत अपनी जीत दर्ज करवा पाते हैं, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला है और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी से।